नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। समय हो गया हमारे इस खास बुलेटिन का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले हेडलाइंस और उसके बाद दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कुटार थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक लगातार जारी। बीती रात चोरों ने लालपुर गांव में दो घरों में सेंध लगाकर चोरी की घटना को दिया अंजाम। लाखों के माल पर चोरों ने किया हाथ साफ। कटरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवारों को कुचला। हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर दर्दनाक मौत। महिला का बेटा हुआ गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तिलहर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने मोबाइल टावरों का सामान चोरी करने वाले दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में चोरी किया हुआ सामान हुआ बरामद। और बीजेपी का सदस्यता अभियान लगातार जारी। राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार कठेरिया ने बंडा पहुंचकर लोगों को बीजेपी के सदस्यता ज्वाइन कराई। मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद ने सपा सुप्रीमो और राहुल गांधी पर साधा निशाना। तो ये तो थी आज की हेडलाइंस और अब आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। शाहजहांपुर में नेशनल हाईवे 24 पर दर्दनाक हादसा हो गया। यहां कंटेनर ने ओवरटेक करते हुए बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला रेशमा मंसूरी अपने बेटे सोनू मंसूरी के साथ तिलहर थाना क्षेत्र में रिश्तेदारी में आ रहे थे। जैसे ही वे कटरा थाना क्षेत्र के फार्म नंबर 3 के पास पहुंचे तो तभी तेज रफ्तार कंटेनर ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने छात्रों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एक ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया। छात्र सभा के कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष प्रसून कुमार के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने कोचिंग संस्थानों, स्कूलों और महाविद्यालयों में छात्रों का फीस के नाम पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। छात्रों का कहना है कि स्कूल और कॉलेज में शिक्षण सामग्री के नाम पर अवैध वसूली की जाती है, जिसे पूरी तरह से बंद कराया जाए। इसके अलावा शिक्षण संस्थान पर सरकार द्वारा निर्धारित फीस से अधिक फीस वसूलने का भी आरोप लगाया है। छात्रों का कहना है कि इस तरह से हो रहे उत्पीड़न को पूरी तरह से बंद कराया जाए। तिलहर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने टावरों का सामान चोरी करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जनपद मुरादाबाद के रहने वाले विकास कुमार और राजू सिंह उर्फ लाडला को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से मोबाइल टावरों से चोरी किया हुआ सामान बरामद हुआ है। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि ये लोग टावर कंपनी में काम करते थे, लेकिन कंपनी ने किसी कारण इन लोगों को काम से निकाल दिया, जिसके बाद ये लोग मोबाइल टावरों से सामान चोरी करने लगे। अभियुक्तों ने बताया कि चोरी किया गया सामान वह आगरा के रहने वाले आकाश राठौर नाम के व्यक्ति को बेच दिया करते थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। बीजेपी का सदस्यता अभियान लगातार जारी है। इसी के चलते राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार कठेरिया बंडा पहुंचकर सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कई लोगों ने राज्यसभा सांसद के सामने मिस कॉल करके सदस्यता ज्वाइन की। राज्यसभा सांसद ने बड़ी संख्या में लोगों से बीजेपी से जुड़ने की अपील की है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद ने सपा सुप्रीमो और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। कुटार थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहां बीती रात चोरों ने लालपुर गांव में दो घरों में सेंध लगाकर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी कुटार थाना क्षेत्र में कई चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, जिनका पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। कांड थाना क्षेत्र के अकर्रा रसूलपुर में 30 अगस्त को बेटी के ससुराल पक्ष में हुए विवाद में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि निगोही थाना क्षेत्र के सतमा खुर्द की रहने वाली महिला रामगुनी ने 2 साल पहले अपनी बेटी पूजा की शादी अकर्रा रसूलपुर के रहने वाले नरेंद्र के साथ की थी, जिसके बाद उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था।
उनकी मां 30 अगस्त 2024 को समझौते के लिए बेटी की ससुराल गई थी। यहां पर विवाद शुरू हो गया। इस दौरान लाठी डंडों से रामगुनी पर हमला कर दिया गया, जिसमें रामगुनी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं इलाज के दौरान रामगुनी की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के बैनर तले अनावा गांव के ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने तालाब का पट्टा निरस्त करवाए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब कुम्हार गड्ढा के नाम से खतौनी में दर्ज है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की रहने वाली महिला ने अपने नाम तालाब का पट्टा कर लिया है, जिसके चलते प्रजापति समाज के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर पट्टा रुकवाए जाने की मांग की है। थाना रौजा पुलिस ने एक सातिर अभियुक्त को नाजायज तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सल्लिया गांव के रहने वाले शिशुपाल को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक नाजायज देसी तमंचा, 315 बोर और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए अभियुक्त को महमदी रोड से गिरफ्तार किया, जिसे अब जेल भेज दिया गया है। निगोही थाना क्षेत्र के हसौवा गांव में पुलिस प्रशासन ने बिना अनुमति के रखी गई अंबेडकर की मूर्ति को हटवा दिया है। मूर्ति हटवाने के दौरान पुलिस को महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। हसौवा गांव के लोगों ने 17 सितंबर को ग्राम सभा की जमीन पर अंबेडकर की मूर्ति लगा दी थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया था। फिलहाल अम्बेडकर विचारधारा से जुड़े लोगों के साथ बैठकर आपसी सहमति से मूर्ति को हटवा दिया गया है। इसके बाद अनुमति मिलने के बाद ही मूर्ति लगाने की बात पर सहमति बनी है। फिलहाल इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन के शिक्षक आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। शिक्षक जिलाध्यक्ष विनीत कुमार गंगवार के नेतृत्व में यहां पहुंचे और शिक्षकों की तमाम समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अपूर्वा सिंह को दिया। ज्ञापन के माध्यम से शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी और सुबह को भेजे जाने वाली फोटो का विरोध किया है। शिक्षकों ने ज्ञापन देकर विद्यालय की प्रार्थना सभा का फोटो विभागीय ग्रुप पर भेजे जाने के आदेश को स्थगित करने की मांग की है। हरि कौशल त्यागी पब्लिक स्कूल की संस्थापिका और समाज सेविका स्वर्गीय कौशल देवी त्यागी को उनकी 20वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान विद्यालय के स्टाफ ने पौधारोपण किया, जिसे एक पेड़ माँ के नाम से संरक्षित किया गया है। इस दौरान सभी ने पर्यावरण को सुरक्षित रखने की भी शपथ ली। इस दौरान नरमू नेता नरेंद्र त्यागी ने कहा कि उनकी माता जी के नाम पर स्थापित विद्यालय आज हजारों बच्चों को शिक्षा संस्कार की राह दिखा रहा है। नगर निगम कार्यालय में आज सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता महापौर अर्चना वर्मा ने की। बैठक के दौरान महापौर ने नगर क्षेत्र में जगह जगह फैली गंदगी को खत्म करने के लिए खास दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने लोगों द्वारा डाले जा रहे मलबे को तत्काल उठाए जाने के निर्देश दिए। साथ ही पशुओं से संबंधित कार्यों को करने और नाली बार नालों की तली झाड़ सफाई करने के लिए निर्देशित किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र से आने वाली समस्याओं का त्वरित निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें।